नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। टुडेज करंट अफेयर्स में आज हम जो क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं वो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। ये मोस्ट एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ये विद इमेजेज के सामने आप प्रस्तुत किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंसान ने 24 दिसंबर 1968 को पहली बार चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था, तो ये किस यान से वो इंसान पहली बार चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था? अपोलो 8 के द्वारा, अपोलो 11 के द्वारा, अपोलो 1 के द्वारा, अपोलो 9 के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपोलो 8 के द्वारा। ये अपोलो 8 क्या है, इसमें पहली बार चांद की ऑर्बिट में इंसान ने प्रवेश किया था। इसी मिशन के क्रू ने ली थी चांद और धरती की साथ में पहली रंगीन तस्वीर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के किस कोर्ट में बम धमाका हुआ है? ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी गुरदासपुर, डी फिरोजपुर। जो अभी हुआ था जिस ये 12:23 पर सुबह हुआ था, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा लुधियाना कोर्ट में। ये उस धमाके का ब्लास्ट है जो लुधियाना ब्लास्ट हुआ था। इससे पहले भी जो पाँच साल पहले मोड़ बम ब्लास्ट भी लुधियाना में ही हुआ था, तो चुनाव से पहले ये धमाका किया गया है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अदालत में कितने सदस्य होते हैं? तो वो अध्यक्ष सहित इसमें कितने सदस्य होते हैं वो बताना है। 7, 5, 3, 1। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, 3 सदस्य इसमें होते हैं और ये जिला फॉर्म पर कार्य करता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में धर्मांतरण विरोधी बिल पास करने वाला भारत का 9वां राज्य बना है? केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो जो राज्य 9वां बना है वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े हुए 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की है? 6,466 करोड़, 6,664 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6,466 करोड़ रुपए की। 6 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सूडान में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? अनिल बैज को, विष्णु शर्मा को, प्रदीप जैन को, बी एस मुबारक को। तो सूडान में ये ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा, बी एस मुबारक को सूडान का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आज के इतने क्वेश्चन थे। अब आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक पर क्लिक ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। और अगर आप
इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।